माने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट की बैठक अभी अभी संपन्न हुई है। आज के हमारे एजेंडा आइटम 16 थी और 4 टेबल एजेंडा आए थे। 4 में से 2 टेबल एजेंडा पे हमको माने मुख्यमंत्री जी की और टीम की सहमति से उनको पास कर दिया है और 16 में से 9 एजेंडा आइटम हमने आज पास कर दिए। और अभी अभी आप सवाल पूछ रहे थे क्या हरियाणा विधानसभा, दोबारा बोल रहा हूँ, माने मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा स्तर के आखिरी दिन अपने जवाब के अंदर कहा था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अपने उचित समय पर होंगे और हरियाणा की विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो मैं दोबारा उसी बात को हमारे मुख्यमंत्री जी की बात को तायद करते हुए आप सभी को एक बात कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अपने उचित समय पर होंगे और दोनों अलग अलग समय पर होंगे। इसलिए जिस प्रकार की जो पिछले 2-3 दिन से अटकल लगाई जा रही थी उसके ऊपर आज हम पूर्ण विराम लगाते हुए मैं आप सभी को माने मुख्यमंत्री जी की और मंत्रिमंडल का संदेश आपको मैंने बता दिया। माने मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल दोनों हरियाणा के जिम्मेवार प्रतिनिधित्व करते हैं। मुलाकात होना, किसी विषय पर चर्चा होना, कोई आवश्यक हुआ तो करनी पड़ेगी, परंतु मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो अटकलें आप लगा रहे हैं वो उस अटकलों पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। जल्दी कैबिनेट होगी, तुरंत होली के बाद होगी। नहीं, वो अब मैं क्या बताऊं इस विषय में, परंतु मेरे को जितनी जिम्मेवारी दी गई है मैं उस जिम्मेवारी पे बता दूं। कैबिनेट कौन-कौन से एजेंडा पर आज, हाँ, ये रिमिशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी, पिछले दिनों हमारे कैबिनेट के अंदर एक एजेंडे के अंदर 2000 रुपये स्टैंप ड्यूटी लगाने की कोई बात हुई थी, परंतु आज कैबिनेट ने HWDC, HSC, FDC, NLUM, PMAY, EWS, अर्बन पुअर पर्सन एंड प्रोवाइड्स, जो कुछ ऐसी हैं इनको बिल्कुल इससे फ्री किया गया है, क्योंकि छोटे छोटे लोन के ऊपर भी 2000 रुपये स्टैंप ड्यूटी आम आदमी के लिए थोड़ा ज़्यादा था। और पिछले दिनों ये विधानसभा के अंदर भी विषय आया था और हमारे मंत्रिमंडल के अंदर की इसकी चर्चा थी और हमारे विधायकों ने भी कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर और माननीय वित्त मंत्री से मिलकर इसकी बात की थी। आज हमारी कैबिनेट ने उसमें इन लोगों को पूर्णतः छूट देने का फैसला कर लिया। इससे बेनिफिट इसमें हमारे जितने भी जो पर्सन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर टेकिंग लोन अप टू 1,60,000, 1,60,000 तक जो लोन लेते हैं उनको बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया। वुमन बेनिफिशियरी स्पॉन्सर्ड टू बैंक बाय द हरियाणा वुमन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HWDC, और इसी प्रकार से बेनिफिशियरी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और चौथा है बिलो पॉवर्टी लाइन्स बेनिफिशियरी फैमिली स्पॉन्सर्ड बाय द हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर लोन ऑफ द बैंक्स। ये 4 कैटेगरी को बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया। इसी प्रकार से हिसार के अंदर पिछले दिनों एक शिकायतें आ रही थी कि अर्बन एरिया के अंदर बहुत से लोगों ने दूध की बिक्री के लिए पशुपालन किया हुआ है और इस प्रकार की समस्या अन्य शहरों में भी थी, परंतु आज हमारी एजेंडा आइटम नंबर 2 के अंदर जो डेयरी प्लाजा का एक योजना थी उसको आज हमने हिसार में मूर्त रूप देने का काम किया है। डेयरी प्लाजा अर्बन एरिया से बाहर होगी और उसके लिए मिनिमम 500 वर्ग गज का प्लाट हम लोगों को डेयरी जो करना चाहते हैं उनको देंगे और उससे बड़ा भी वो अपनी इच्छा अनुसार लेना चाहे वो ले सकते हैं, परंतु मिनिमम जो 5 पशु रखना चाहता है उसके लिए उसको डेयरी का हम फैसिलिटी देंगे। और इसमें हिसार की कुछ ज़मीन थी लगभग वो 50 एकड़, उसको आज म्यूनसिपल को हमने दे दिया है कलेक्टर रेट पे
और उसके ऊपर वो प्लॉटिंग करके डेयरी प्लाजा बनाने की शुरुआत कर दें। हाँ वो ऑक्शन तो डेयरी जो डेयरी चलाने वाले लोग हैं वो करेंगे, या उनको एक कंट्रोल रेट पे दिया जाएगा रजिस्टर्ड हैं जो। अभी हिसार से शुरुआत की है, आज के एजेंडे में जो हिसार की आइटम थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट की सिर्फ इसके लिए डेयरी प्लाजा के लिए जमीन हस्तांतरण ये है जी, पंचायत लैंड नहीं थी ये, हमारा जो एग्रीकल्चर नहीं म्यूनसिपल को तो हैंडओवर किया हमने। हाँ ये थी हमारी जमीन, राज्य बीड हिसार की, बीड की बीड फार्म है जो, उसकी जमीन थी। इसमें खसरा नंबर 1319 और 1320 सिर्फ 50 एकड़ भूमि। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट गई है, कलेक्टरेट पे जाएगी, पॉलिसी है डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट है। इसी प्रकार से आज एक थेड़ का मामला आया था, थेड़ से जो कुछ लोग हमारे पुनर्स्थापित किए थे हाउसिंग बोर्ड सरसा के अंदर, वो लोग वहाँ से उनको टेम्परेरी उनको वहाँ पे रिहैबिलिटेट किया था, परंतु जो हाउसिंग बोर्ड के मकान वगैरह हैं उसको अभी तक उनकी ओनरशिप नहीं हुई थी। ओनरशिप ना होने की वजह से उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के अंदर, पानी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन लेने के अंदर और अन्य कई प्रकार की प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। तो उसमें 96 करोड़ रुपया हमारे पुरातत्व विभाग ने हाउसिंग बोर्ड को देने थे, परंतु वो विषय तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए उनकी ओनरशिप देने का तो विषय सारा डिस्कशन हुआ। इन प्रिंसिपल एक डिसाइड हुआ जो 96 करोड़ रुपए एक मुश्त हमारे पुरातत्व विभाग ने हाउसिंग बोर्ड को देने थे, उसको अभी इन प्रिंसिपल रोका है, क्योंकि उनके साथ अभी बैठ के सेटलमेंट नहीं हुई है कि जो उनको मकान लाट किए गए हैं उनकी किस प्रकार इंस्टॉलमेंट बनेगी, और कोई पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनेगी या कुछ लोग इकट्ठा लेंगे या कुछ भी लेंगे। जितना कुछ वो हाउसिंग बोर्ड डिसाइड करेगा वो लोग पे करेंगे, उसके अलावा जो गैप बचेगा वो पुरातत्व विभाग या हरियाणा सरकार उनको भरपाई करेगी हाउसिंग बोर्ड। इन प्रिंसिपल ये होगा कि उनको ओनरशिप देनी। कितने परिवार हैं ये है? सरसा का, थेड़ का। हाँ हाँ वो तो काफी एक साल पहले से वहाँ वो शिफ्ट हो गए थे, जब वो माननीय हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको थेड़ की जगह वो खाली किया जाए, और थेड़ की जगह खाली करने के बाद उसको ऑक्यूपाई उनको हाउसिंग बोर्ड के जो कुछ मकान थे वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया था। कमेटी नहीं बनी है, वो अभी एक डिसाइड करेंगे हाउसिंग बोर्ड और हमारे डीसी साहब बैठ के कुछ लोग बैठ के उसको डिसाइड कर लेंगे, और वो जिस प्रकार का जो फैसला आएगा उसमें। कैबिनेट से फैसला ये था, उन लोगों की डिमांड थी हमें शिफ्ट कर दिया आपने, रिहैबिलिटेट तो कर दिया, परंतु हमारे पास ओनरशिप नहीं है, हमारे बिजली कनेक्शन और वाटर कनेक्शन और कुछ प्रकार की जो जरूरतें हैं उसमें दिक्कत आ रही थी। तो वो 96 करोड़ रुपया पुरातत्व विभाग ने डिसाइड किया था हाई कोर्ट के बीच में, इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए जो खर्चा आएगा वो पुरातत्व विभाग उन लोगों को देगा, परंतु वो मकान थे हाउसिंग बोर्ड के। हाउसिंग बोर्ड अपने मकान उनका 96 करोड़ में पूरा नहीं हो रहा है, हाउसिंग बोर्ड की जितनी लागत बनती है, तो उसके अंदर जो एक गैप है उसको डिसाइड करने के लिए एक अभी थोड़ा टाइम दिया है, परंतु ओनरशिप का डिसाइड कर दिया कैबिनेट ने, उनको ओनरशिप उनकी उसके हिसाब से दे देंगे। हाँ जी ये लगभग 723 फ्लैट, हाँ इसके बाद आज ऊर्जा नीति 2016 में एक संशोधन किया है हमने। अभी पिछली कैबिनेट में हमने डिसाइड किया था कि जो सोलर पावर के लिए जो लोग प्राइवेट लोग अपने एस्टेब्लिशमेंट में लगे हुए थे, तो उसमें 13 फरवरी तक का एक टाइम दिया था कि 13 फरवरी से लोगों ने अप्लाई तो कर दिया हरेडा में, परंतु उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए या सरकार के जिस प्रकार की योजना थी जितनी एनर्जी पैदा करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे थे,
किसी लोगों ने जमीन केवल जमीन खरीद ली, किसी ने केवल इंस्ट्रूमेंट खरीदे, किसी ने बैंक में अप्लाई किया, हरेडा में अप्लाई किया, वो 55-56 लोग सिर्फ उस काम को लटका रहे थे। तो उसको समअप करने के लिए पिछले दिनों हमने डिसाइड किया था कि जिन लोगों ने 13 फरवरी तक जमीन तो खरीद ली परंतु उसके ऊपर कोई इक्विपमेंट या उसकी किसी पर आगे प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की, उनको उससे बाहर निकालने की बात थी। परंतु आज हमारे अधिकारियों ने बैठ के उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम ऐसे लोग हैं जिनके काफ़ी पैसे 25% तक अमाउंट इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी प्रकार से हो चुका है, तो उनसे बैंक लेके और उनकी 13 फरवरी तक का जिन लोगों का 25% से प्लस या 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका था, उनको 12-13 लोग हैं, उनको इसमें लाभ देने की बात है। तो उसको उसके बाद आगे इस पॉलिसी को हम बंद कर दिया है कि इस प्रकार से इन लोगों को नहीं देंगे। तो उसमें आज मामूली संशोधन किया है कि पहले उस दिन तक तो केवल 3 लोग थे 13 फरवरी तक जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था जमीन परचेज कर ली थी, परंतु आज 15-16 लोग टोटल बनते हैं, उन सभी को इसमें रख लिया, बाकी को इससे बाहर कर दिया। इसी प्रकार से आज 5 एकड़ जमीन चीका के अंदर श्री कृष्ण गोपाल सेवा समिति ने मांग की थी गौशाला बनाने के लिए, तो उनको नगर पालिका का प्रस्ताव आ गया था, उनको जो नई पॉलिसी हमने बनाई है यदि कोई धार्मिक सामाजिक और संस्थान के लिए कोई ज़मीन की रिक्वेस्ट करेगा तो उसको यदि 2000 गज से ज़मीन नीचे होगी तो उसको आधा कलेक्टर रेट लगेगा और यदि उससे ज़्यादा होगी तो फुल कलेक्टर रेट पर देंगे। तो ये 5 एकड़ जमीन कृष्ण गोपाल सेवा समिति चीका को आज नई पॉलिसी के तहत हमने देने की आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। धन्यवाद, गिल्ली कर दिया।